इस बीच इटली की सुरक्षा एजेंसी की ओर से बड़ा दावा सामने आया है, रूस लंबा खींचना चाहता है युद्ध, परमाणु हथियार के प्रयोग की संभावना कम है, रूस हालांकि साइबर हमले तेज कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग के भले ही एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इटली की खुफिया एजेंसी ने जो खुलासा किया है उससे पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ सकती है। इटली की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में जंग को लंबा खींचना चाहता है। हालांकि इटली की खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के प्रयोग की संभावना कम नजर आ रही है। साथ ही साथ इटली की खुफिया एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एक तरफ रूस जहां साइबर हमले बढ़ा सकता है, वही नाटो के देश के अंदरूनी मामले में भी रूस का दखल बढ़ सकता है। दरअसल जंग में इटली रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ एकजुटता का इजहार कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के अगले ही दिन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कीव का दौरा किया था। मेलोनी भी ट्रेन से कीव पहुंची और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। साथ ही साथ मेलोनी ने उन इलाकों का दौरा भी किया था जो रूस हमले से तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, जंग में इटली यूक्रेन को हथियार से भी मदद कर रहा है।